असल एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Vivo के रिसेंटली लॉन्च Vivo Y100 के बारे में अब ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रिसेंटली लॉन्च किया गया है और जो इसका प्राइस टैग है वो आपको तकरीबन साठ हजार रुपया देखने को मिलता है अब साठ हजार रुपये के प्राइस टैग के अंदर आपको मार्केट के अंदर और बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं जिनके प्राइसेस या तो इसके इक्वलेंट हैं या इससे कम है और स्पेसिफिकेशन के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक क्विक सी अनबॉक्सिंग देखेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कि भाई आप लोग को ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके अंदर क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं तो मेक श्योर वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप भी वीवो का वाई वन हंड्रेड लेने का सोच है तो भाई अगर आप लोगों ने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख ली तो भाई आप लोग के माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे दूर होने वाली है बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं सारी चीज़ें आगे चल के आप लोग को डिटेल में बताता हो तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आज भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली कोई भी जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो तो बात शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके बॉस बौकस तो फ्रेंड से देखें कि तो सिर्फ की ब्रांडिंग है बॉक्स के पीछे कुछ वेरियंट को मैंशन किया गया जो कि आठ दो सौ छप्पन जीबी वाला है तो हम जल्दी से इस बॉक्स को जो है यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं बॉक्स की लिड को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले मिलता है हमारा स्मार्टफोन इसको देखते हैं बाद में फिर कुछ आईमी के स्टिकर्स एक अदद फ्लैप देखने को मिलता है आपको एक अदद टीपीयू केस देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कुछ आपको यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिलते हैं वीवो की तरफ से और फिर आपको मिलता है आपका एडॉप्टर जो कि अस्सी वॉट का है वीवो फ्लैश चार्ज की ब्रांडिंग की गई है और फिर आती है आपकी डाटा केबल जो कि टाइप सी टू टाइप ए वाली है और इसकी क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा बेहतर लग रही है और एंड में आता है आपका सिम इजेक्टर टूल आते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ निकाल लेते हैं इसको रैपर से और बात करते हैं इसके डिजाइन की तो दोस्तों अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन जो है इसका काफी ज्यादा खूबसूरत है ये जो ग्रीन कलर है ये काफी ज्यादा खूबसूरत है इसके अंदर जो डिजाइन है वो आपको कुछ वेवी टाइप का देखने को मिलता है मैं कर लेता हूं इसको ऑन और बाकी बातें इसको सेटअप करने के बाद करते हैं शो so का अगर आप दोस्तों इस स्मार्टफोन की मेन मेफेस्टन की बात करते हो तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अगर आप इसकी मेन मेन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 6.67 पॉइंट इंच का फुल एच वाला जो है एमोलिड पैनल देखने को मिलता है वन ट्वेंटी आर्ट्स के ऊपर वर्क करता है और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको एटीन देखने को मिलते हैं अगर आप दोस्तों यहाँ पे कैमरा की बात करते हो तो आपको बैक पे जो है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसके अंदर सेकेंडरी जो है टू मेगापिक्सल का कैमरा है और ऑन पेपर अगर आप जी एस पे देखोगे तो इसको ड्यूल कैमरा ही कहा जाता है लेकिन वीवो कहते हैं कि भाई तीसरा सेंसर भी यहाँ पे मौजूद है जो कि फ्लिकरिंग वाला है और अगर आप फ्रंट के पंच हॉल की बात करते हो तो उसके अंदर आपको आठ मेगा की सेल्फी देखने को मिलती है 5000 हजार मिलीपर की बैटरी के साथ आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ट देखने को मिलता है और अगर आप चिपसेट की बात करते हो तो भाई यहां पे आपको स्नैपड्रैगन का 685 देखने को मिलता है जो कि एड्रीनो 610 टेन की जीपीओ के साथ आता है और यहाँ पे आपको आठ जीबी रैम दो जीबी का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है और यहां पे आपको यू एफ की स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाती है अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो भाई यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर के साथ साथ आई पी की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है तो दोस्तों अगर आप इस फोन के डिस्प्ले की बात करोगे और बिल्ड की क्वालिटी की बात करोगे तो भी और डिस्प्ले के आपको किसी भी की पे कमी देखने को नहीं मिलेगी काफी है। एक डिजाइन है क्योंकि ज्यादा खूबसूरत आपको हैंडसेट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता है अगर आप दोस्तों फ्रंट पे देखते हो तो यहाँ पे एमोलिट का पैनल है जो काफी अच्छे से काम करता है डे लाइट की विजिबिलिटी हो आपको किसी भी

प्रोसेसर है दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से यहां पे जस्टिफाई नहीं करता साठ हजार का प्राइस रेंज अगर आप बात करते हो तो आपको मार्केट में इससे कम प्राइस रेंज में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको इससे तगड़ा चिपसेट मीडिया जी नाइनटी नाइन देखने को मिलता है इनफिनिक्स टेक्नो की तरफ से आपको बहुत सारे फोन देखने को मिल जाते हैं तो भाई ये जो प्राइस है ना साठ रुपए का इसके अंदर ये बिल्कुल भी अपने आप को जो है यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता आप इसके ऊपर पबजी जो है बस नॉर्मल से ही खेल सकते हो हाँ अगर आप लोग ने पे छोटी मोटी गेमें खेलनी है या डे टू डे टास्क करना है तो आप इसके ऊपर कर सकते हो आपको यहां पे किसी किस्म का इशू नहीं होगा लेकिन गेमिंग वालों के लिए ये स्मार्टफोन जो है भाई बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता अब आप लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरफ से वीडियोज भी देखी होंगी और वो इस स्मार्टफोन के जो तारीफें हैं उसके फूल बांध रहे हैं अब यहाँ पे मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता तो वो कह रहे हैं भाई अस्सी वॉट की फ्लैश चार्ज आ गई है यहाँ पे डिस्प्ले बहुत आला है और एंड पे आके कहीं पे आपको चिपसेट की छोटी सी आपको बात बताते हैं तो भाई मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बता रहा हूँ ये स्मार्टफोन जो है साठ हजार रुपए के प्राइस टैग को अपने जस्टिफाई नहीं करता बाकी अगर कैमराज की बात करते हो तो यहाँ पे कैमरा जो है भाई फिफ्टी मेगा का है और फ्रंट पर आपको साठ हजार में जो है सेल्फी कैमरा जो है आठ मेगा का दिया जा रहा है तो ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं करतीस को आपको मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर देखने को मिल जाते हैं जो कि इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको इससे कम प्राइस टैग के अंदर प्रोवाइड करें बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है अच्छे से काम कर लेगा अगर आप बैटरी की बात करते तो अस्सी वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों ने इसको टेस्ट भी आउट भी किया है तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये अस्सी वार्ड जो है हकीकत में नहीं है सिर्फ ऑन पेपर स्पेस के ऊपर अस्सी वार्ड दे दिया है लेकिन रियलिटी के अंदर ये वर्क नहीं करती ये पता नहीं कितनी वर्क करती है बहरहाल ये चीज़ें हैं आप लोग के साथ शेयर करनी थी और यहाँ पर जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में मैं आप लोग बतायाता हूँ अगर आप यहाँ पे कॉन्स की बात करते हो तो भाई आपको सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलती इन केस इन फ्यूचर आपको अगर दो सौ छप्पन जी बी से ऊपर इंक्रीज करना है मेमोरी को तो भाई आप नहीं कर सकते आपको जो है कैमराज यहाँ पे तगड़े नहीं देखने को मिलते इस प्राइस टैग के हिसाब से बिल्कुल फजूल किस्म के आपको यहाँ पे कैमरा लगा के दे दिए हैं आपको जो है यहाँ पे स्लो प्रोसेसर देखने को मिलता है यानी कि अगर कोई बंदा साठ हज़ार रुपया अपने पैसे जो है आकर लाल की रोजी कमाई जो है लगा रहा है स्मार्टफोन के ऊपर तो भाई उसको साठ हज़ार रुपये में जो है स्नैपड्रैगन का सिक्स एटी फाइव देने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल भी गेमिंग के लिए नहीं है आप इसके ऊपर हैवी टास्क नहीं कर सकते आपको वीडियो रेंडरिंग करनी है या कोई इस तरह का भी काम करना है आपको ये हेल्प आउट नहीं करेगा हाँ डे टू डे टास्क अगर आपको करने हैं

साउंड देखने को मिलता है जो कि ईयर पीस को ही एक किस्म का स्पीकर बना दिया गया तो है तो ये तो आपको आई पी फिफ्टी फोर की रेटिंग देखने को मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है आपको यहाँ पे डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको बिल्ड अच्छी देखने को मिलती है तो अगर आप मेरी मशवरे की बात करोगे तो भाई साठ हजार रुपए के प्राइस टैग के अंदर आफ्टर मार्केट के अंदर आपको दो चार पाँच हज़ार रुपए आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा तो पचपन हज़ार हम लगा लेते हैं अगर पचपन हज़ार रुपये के हिसाब से भी स्मार्टफोन को देखा जाए तो ये टोटली totally ओवर है आप लोग इसको कंसीडर ना करें आप लोग को नुकसान होगा इसके ऊपर प्राइस कट का वेट करें कोई पैंतालीस पचास की रेंज या इससे थोड़े से कम भी आपको देखने को मिले तो भैया आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो इस टाइम पे ये टोटली ओवर प्राइज है आप लोगों ने इसको बाय नहीं करना आप किसी और ब्रांड की तरफ किसी और स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो और गेमिंग के लिए तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना तो होप्स ऑफ दोस्तों आज की वीडियो से आप लोग की कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे दूर होगी होंगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह हाफिज़